हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं फरीन और आज हम दिवाली स्पेशल में शंकर पाले की रेसिपी बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए मैंने 1.5 कप यहाँ पर मैदा लिया है और 1/3 कप हम इसमें घी डाल देंगे इस तरह से। और घी और इसे हमें अच्छे से मौन देना है और इसे अच्छे से मालिश करके इस तरह से हमें अच्छे से मालिश कर लेनी है आटे की, इस तरह देखिए। और अब हम इसमें 1/3 कप चीनी डालेंगे। चीनी आप आपके पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। 1 पिंच हमने इसमें नमक डाला है। और अब इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका अच्छे से हम आटा गूंद लेंगे। आटा हमें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं गूंदना है, इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छे से इसका डो बना लेंगे, देखिए इस तरह से। और अभी इसे आधे घंटे के लिए अभी हमें रख देना है इस तरह से। तो फ्रेंड्स देखिए, आधे घंटे के बाद इस तरह से हमने आटा गूंद लिया है। और आधे घंटे के बाद देखिए, अब हमने एक आटे की लोई लेनी है और इस तरह से अब उसे हम बेल लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने बेल लिया है और अब इसे कट करके इस तरह से देखिए इस तरह से। और अब इसमें हम काट लिया है और तेल गर्म हो चुका है और अब हम इसमें सारे शंकर पाले इसमें हम तल लेंगे, फ्राई कर लेंगे अच्छे से। इसे हमें गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेना है। इसे हम चलाते रहेंगे तब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, इस तरह से देखिए। शंकर पारे हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं और अब हम इसका तेल निथार कर इसे निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारे शंकर पारे बिल्कुल रेडी है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये शंकर पारे की रेसिपी कैसी लगी। देखिए ये खस्ता और क्रिस्पी बने हैं, तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।